हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने सातवां छठवां चैप्टर देखा था आपका, कंप्यूटर जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज बात करेंगे सातवें चैप्टर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। याद रखिए, जितने भी आपके चैप्टर हैं ख़त्म होने के बाद 25 से 30 हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। वो सभी मॉक टेस्ट आपके 1 डे एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव रूप में रहेंगे, जिससे आपके 1 डे एग्ज़ाम क्लियर हो सकेंगे। और याद रखिए, इतना कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं याद रखिए, अगर पूछ लेता है तो आप ऊपर दी गई उसे भी लिख सकते हैं या फिर साथ में इन्हें भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम इंटरफेस की तरह की भांति कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आखिर कार्य क्या क्या होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख कार्य 4 प्रकार के होते हैं। प्रोसेसिंग प्रबंधन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह प्रबंधन इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समूह को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। फिर आपका मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्राम के मध्य किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्राम की मेमोरी को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सकें। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट समय करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है? आगे बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल है इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन। डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणामों को मेमोरी में आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फिर है आपका फाइल प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कुछ आपके पॉइंट हैं, इन्हें भी जान लेना है। समस्त हार्डवेयर संसाधनों
की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रबंधन की भांति कार्य करता है। हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक आसान सा इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का प्रयोग सरलतापूर्वक कर सके। कंप्यूटर पर कार्य करने वाली उपयोगकर्ता का लेखा जोखा व्यवस्थित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है एवं इस बात का ध्यान रखता है कि उपयोगकर्ता ने कितने समय के लिए कंप्यूटर पर कार्य किया है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए समस्त प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, विल पेंटिंग, पेरोल आदि में उपयोग किए जाते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके संख्यात्मक विश्लेषण, विल पेंटिंग और पेरोल आदि में उपयोग होते हैं। फिर है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यह संबंध अधिक प्रयोग यह आपका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उदाहरण के लिए विंडोज 95, एनटी या फिर 2000। फिर तीसरा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये इस बात की भी निगरानी करता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ता पर प्रभाव ना डाले। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करता है, उदाहरण के लिए यूनिक्स, बीएमएस आदि। फिर है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम ही चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम है। फिर बात करते हैं हम लोग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रकार है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स तथा हार्डवेयर डिवाइस से शेयर करते हैं और तथा इनका उपयोग करते हैं। यह उस अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों के मध्य बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर ही किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य के निष्पादन रोक कर भी प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण की ओएस टू विंडोज 95 एनटी आदि।
है आपका कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक सीपीयू का उपयोग करता है जब तक कि उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम सीपीयू का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू को प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एमएसी ओएस, एमएस विंडो 3x आदि। फिर है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों का प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है, जिसे टाइम क्लाइस या फिर क्वांटम कहते हैं। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई उपयोगकर्ता या प्रोग्राम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा उपयोगकर्ता या प्रोग्राम उस संसाधन के प्रयोग हेतु प्रतीक्षा करता है, लेकिन यह समय इतना छोटा होता है कि अगले उपयोगकर्ता या प्रोग्राम की को यह महसूस नहीं होने देता है कि उसने प्रतीक्षा की है। उपयोगकर्ता का यह समझता है कि वह एकमात्र उपयोगकर्ता है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के रूप में हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर, जिसमें एक समय में एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि वह एकमात्र उपयोगकर्ता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंध आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वीपिंग कहते हैं। यदि किसी प्रोग्राम के संपन्न होने में टाइम स्लाइस से अधिक समय लगता है तो उसे रोककर अन्य प्रोग्राम क्रियान्वित किया जाता है। फिर है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके सभी रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार हैं। सातवां क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म, इसमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दो भागों में बांटा गया है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ये सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा ना होने की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स, फेस मेकर्स। दूसरा है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इस सिस्टम में भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यूनिक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है, ठीक है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग
व मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया था। इसे वर्ष 1973 में सी भाषा में लिखा गया, किंतु प्रारंभ में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था। इसे वर्ष 1969 में AT&T वेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशनों दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नल द्वारा होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कि इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो ये था आपका यूनिक्स। फिर है आपका लिनक्स। लिनक्स यह ऑपरेटिंग जो आपका यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लायंस टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकते हैं, आपकी लिनक्स। फिर है आपका सोलिरिस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में किया गया था, किंतु बाद में वर्ष 2010 में इस कंपनी को ओरिकल कॉरपोरेशन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके बाद इस सोलिरिस को ओरिकल सोलिरिस के नाम से जाने जाने लगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। बात करते हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष तौर पर भारतीय क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। GNU लिनक्स वर्जन 5.0 इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण है। फिर आपका MS-DOS। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती है। यह अब डॉस ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है, क्योंकि यह ग्राफिकल सुविधा प्रदान नहीं करता है। फिर आपका MS विंडो। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS है। इसके विभिन्न संस्करण जैसे विंडोज 95, 98, XP, विस्टा आदि बाजार में उपलब्ध हैं। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कार्य करना अत्यंत सरल भी है, ठीक है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। बूटिंग के प्रकार क्या है? बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग तथा जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। ये परिभाषाएं कई बार पूछ लेता है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर के अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार स्मार्टफोन, टैबलेट्स और डिजिटल मोबाइल युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल युक्तियों के साथ साथ इसके विभिन्न फीचर्स को भी नियंत्रित करता है। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
का विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। ये लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण किट कैट, जिसे जनवरी 2014 में प्रस्तुत किया गया था। फिर आपका सेम्बियन। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सेम्बियन लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मोटोरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग आदि कंपनियों के विभिन्न सेटों में किया जाता रहा है। फिर iOS, यह एप्पल इंफॉर्मेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपॉड, आईपैड इत्यादि में किया जाता है। फिर आपका ब्लैकबेरी। क्या है ब्लैकबेरी? यह सबसे सुरक्षित माने जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा ब्लैकबेरी फोन्स में किया जाता है। यह वेब 1.2 को भी सपोर्ट करता है। इसका नवीनतम संस्करण ब्लैकबेरी 10 है। फिर आपका MS-DOS। MS-DOS का पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रारंभ में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम 86-DOS कहलाता था। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 86-86-DOS मोड के सारे साइट्स राइट्स IBM से खरीद लिए और इसका नाम परिवर्तित करके MS-DOS रख दिया तथा इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें फाइल्स से संबंधित सूचनाएं अपडेट की गई हैं। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित भी है। कुछ आपके मुख्य कार्य जो MS-DOS को आदेश देकर कराए जा सकते हैं निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? नई फाइलें बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना, फाइलों के नाम रखना आदि, सभी फाइलों को सूची बनाना, ये हैं आपके इसके कुछ MS-DOS के कुछ कार्य। कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कमांड्स के द्वारा इंटरफेस किया जाता है। MS-DOS की ही तरह CLI में भी केवल टेक्स्ट आधारित कमांड्स के द्वारा ही कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। कमांड लाइनों का प्रयोग करने के बाद कारण इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। कमांड लाइन कंप्यूटर को की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। अब बात कर लेते हैं डॉट्स की, जो डॉट्स है इसकी संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डॉट्स DOS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। बूट रिकॉर्ड, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यह MS-DOS का मुख्य प्रोग्राम है। फिर आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। फिर आपका MS-DOS.SYS प्रोग्राम, यह प्रोग्राम रूटीन तथा डेटा टेबल का ऐसा समूह होता है
जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम प्रदान करता है, जैसे उदाहरण के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर आपका कमांड .com प्रोग्राम का यह उपयोगकर्ता को निर्देशों का समूह प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता को फाइल प्रबंधन आदि की सुविधा प्रदान करता है। कुछ आपके कॉन्फ्रेंस डॉस हैं, कॉन्फ्रेंस .sys, ऑटो एक्सेस .bat तथा फाइल्स आपके कंप्यूटर को कमांड्स को सेट करने के लिए वातावरण प्रदान करती है। एक्सटेंशन विवरण .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, .com कमांड फाइल्स, .bat बैच फाइल्स, .doc डॉक्यूमेंट फाइल, .txt टेक्स्ट फाइल, .prg प्रोग्राम फाइल्स, .obr ओवरलेस, .sys सिस्टम फाइल, .config config.sys यह आपके सिस्टम को कमांड से के अनुसार एडजस्ट करती है, जो आपकी ऑटो exe है .bat यह फाइल ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तब। अब बात करते हैं MS-DOS कमांड्स। MS-DOS में प्रत्येक काम के लिए एक विशेष कमांड होता है, जिसका एक निश्चित नाम भी होता है। वास्तव में कमांड उन छोटे छोटे प्रोग्रामों का नाम है जो कुछ निश्चित कामों को कराने के लिए लिखी गई हैं। MS-DOS कमांड दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली आपकी इंटरनल कमांड। ये ऐसी कमांड होती हैं जो MS-DOS की मुख्य फाइल कमांड्स प्रोसेसर में पहले ही स्टोर होती है। इन कमांड्स के द्वारा हम मेन रूट की डायरेक्टरीज और फाइल्स देख सकते हैं। कुछ इंटरनल कमांड्स आपकी डेट टाइम बार वर बॉल DIR कॉपी आदि। दूसरी आपकी एक्सटर्नल कमांड्स। ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती हैं, बल्कि अलग प्रोग्राम फाइलों के रूप में डेस्क पर स्टोर रहती हैं। कुछ एक्सटर्नल कमांड आपकी है chkdsk ट्री, at ट्रिप डिस्क कॉपी आदि। ये आपकी कुछ मुख्य कमांड्स दिए गए और उनके प्रयोग, ये आवेश हो गए और ये प्रयोग। जैसे डेट, पीसी में सेट की हुई मुख्य तारीख देखने पर और बदलने के लिए। टाइम, पीसी में सेट किया हुआ समय देखने एवं बदलने के लिए। CLS स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए। DIR किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए। CD करंट डायरेक्टरी देखने के लिए। कॉपी, किसी फाइल की कॉपी करने के लिए। REN किसी फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए। फिर आपका DEL क्या है? DEL किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए। फिर MD डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। RD किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए। टाइप किसी फाइल को कंटेंट देखने के लिए। फॉर्मेट किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS-DOS पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए। पथ PATH किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पथ जानने के लिए। एडिट साधारण अक्षरों अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइल तैयार करना या उसे सुधारने के लिए। प्रिंट किसी फाइल को छापने के लिए। एक्स कॉपी किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी एवं उसकी फाइलों की नकल करने के लिए। ईरेस एक या एक से ज़्यादा फाइलों को हटाने के लिए। बर BER संस्करण की सूचना देखने के लिए। सॉर्ट किसी फाइल के डेटा को आरोही तथा अवरोही क्रम में बदलने के लिए। CHKDSK एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए। डिस्क कॉपी या डिस्क के कंटेंट्स को किसी दूसरी टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए। मूव
किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में तथा एक साथ एक पाथ से दूसरे पाथ में शिफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ आपके पॉइंट दिए गए, इन्हें भी जान लेना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड मुफ्त या बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर सोर्स के सोर्स कोड में आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन आदि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद के लिए किए जाते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो ये था आपका 7वां चैप्टर, क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। 8वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, ठीक है।